हमने खरगोन में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमले का विश्लेषण करते हुए बताया था कि अब इस हमले के बाद क्या होगा और जो कहा था वो शत प्रतिशत सत्य होते हुए दिख रहा है। आखा तीज यानी अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम के जन्म का दिन। इंदौर में यहाँ के नागरिक बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक हर वर्ष भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। यात्रा परंपरागत है और अभी इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कारण बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक का मार्ग इधर भी खुदा है, उधर भी खुदा है, जिधर देखते हैं खुदा ही खुदा है। और इस खुदाई के कारण आयोजकों के लिए यात्रा का मार्ग बदलना अनिवार्य हो गया। बदले हुए मार्ग का जो चयन किया गया वो बहुत अच्छे से किया गया और वैकल्पिक मार्ग के रूप में वह उचित ही दिखाई पड़ता है, लेकिन उस मार्ग से पुलिस ने यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी है और इसका कारण है कि यात्रा के मार्ग में दो मस्जिदें आती है। सुनिए फरमान जो पुलिस ने आयोजकों को सुनाया है। देखिए, हमारी परंपरागत परशुराम शोभा यात्रा बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक बरसों से निकलती आ रही है। चूँकि वहाँ पर सड़क निर्माण हो रहा है इसलिए हमने अनुमति मांगी कि आप बड़ा गणपति से जिंसी चौराहा और शंकरगंज होते हुए गुटकेश्वर मंदिर के सामने से मरी माता तक की अनुमति प्रदान करें। क्योंकि पूरा जिंसी और शंकरगंज ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है तो कई समाजजन की इच्छा थी कि भगवान की यात्रा उनके घर के सामने से निकले। हमने आवेदन लगाया तो उसमें पुलिस विभाग का ये कहना है कि साहब उधर दो दो मस्जिद पड़ती है तो आप उधर से यात्रा मत निकालिए। पुलिस ने यात्रा को अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि मस्जिद से यात्रा पर पथराव हो सकता है, यानी अब जो बात मस्जिद तक पहुंची है कल ऐसा भी होगा कि रास्ते में एक मजार है इसलिए हिंदू यात्रा नहीं निकाल सकते। परसों यह भी होगा कि किसी एक मुस्लिम का घर रास्ते में पड़ता है इसलिए यात्रा नहीं निकाल सकते। और यह जो सब मैं कह रहा हूँ ये हवा में तीर भी नहीं है, यह सब सत्य है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पीछे की बस्ती बेगमबाग मुस्लिम बहुल बस्ती है। यहाँ महाकाल जाने के प्रमुख मार्गों में से एक है। महाकाल मंदिर की ओर जाने वाली यात्राओं पर यहाँ से पथराव होते थे, हमले होते थे। कांवड़ यात्रियों पर कई बार हमले हुए हैं, दर्शनार्थियों को परेशान किया जाता था और पुलिस ने उसके जवाब में बेगमबाग से निकलने वाली सभी हिंदू यात्राएं प्रतिबंधित कर दी थी। जिस खरगोन में हाल ही में रामनवमी पर पथराव और दंगे की घटना हुई वहाँ के ऐतिहासिक शिव डोले का मार्ग भी प्रशासन ने कुछ साल पहले बदल दिया है। इसी साल रामनवमी के दिन खंडवा में रामनवमी के दिन निकल रही यात्रा को लगभग एक घंटे तक प्रशासन ने डीजे वगैरह बंद करके इसलिए रोका क्योंकि आगे एक मस्जिद थी। नीमच का भी पुराना इतिहास रहा है कि नवरात्रि वहां घरों में ही मनती थी और इसका कारण था कि नवरात्रि के एन पहले किसी हिंदू की हत्या कर दी जाती थी जिससे नवरात्रि के समय नीमच में कर्फ्यू लगा रहता था। और अब नवरात्रि के समय ही ऐसा क्यों होता था इसका उत्तर आप खोजिए। लेकिन हिंदू मुस्लिम शासन प्रशासन सबको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि हिंदू किसी रास्ते से यात्रा निकाल रहा तो बस इसलिए पथराव हो जाता है क्योंकि रास्ते में एक मस्जिद है, मुस्लिमों के कुछ घर है। फिर तो जो ताजिए निकलते हैं उनके रास्ते में कितने ही छोटे बड़े प्रसिद्ध मंदिर आते हैं, हिंदुओं की पूरी बस्ती आती है, तो क्या हिंदू बस्तियों से ताजिए निकालना बंद किया जाए या उन पर पथराव कर दिया जाए। अब ये सब सवाल उन सब स्वघोषित बुद्धिजीवियों के लिए भी है जो कहते हैं कि क्या जरूरत है मुस्लिम बस्तियों से हिंदुओं को यात्रा निकालने की। तो ऐसा कहने वाले लोग क्या देश को बांट नहीं रहे हैं? और ये भी कैसी मानसिकता है कि जहाँ मुस्लिम बहुल है वो मुस्लिम इलाका है, यानी भारत में किसी एक वर्ग को इतनी विशिष्टता क्यों दी जा रही है, अन्य किसी के इलाके नहीं होते, मुस्लिमों के ही होते हैं। इन सब बातों पर तो हमारे प्यारे मुस्लिम भाइयों को ही सोचना चाहिए कि क्या भाईचारे का प्रतीक कहकर ईद मनाने वाले मुस्लिम इतने असहिष्णु हैं कि वो किसी यात्रा को भी नहीं गुजरने दे सकते। वरना तीसरा नियम तो है ही, वह वस्तु से लेकर मनुष्य तक सब पर लागू होता है कि प्रत्येक क्रिया की निश्चित और बराबर प्रतिक्रिया होती है। धन्यवाद।